राम राम जी। यात्रा का आज 127वां दिन है, सुबह के 6 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम रुके हुए थे तेजपुर में एक गुरुद्वारे में जहां पर 100 रुपए चार्ज लगा था। अभी आज हम जा रहे हैं यहां से पहले दीमापुर, शाम तक कोहिमा पहुंचने का प्लान है। पेट्रोल पंप यहां 6 बजे से पहले भाई खुलते नहीं है, सामने सूर्य देवता निकल चुके हैं। गुवाहाटी के लिए आपको सीधे जाना, नौगांव के लिए राइट को जाना है और दीमापुर नागालैंड के लिए आपको जाना लेफ्ट, तो हम जा रहे हैं लेफ्ट। यहाँ से हमें कंटिन्यू जाना है 32 किलोमीटर, उसके बाद जो भी होगा बता दिया जाएगा। अभी भी 160 किलोमीटर और जाना है हमें। राम राम जी, आज अपनी यात्रा का 127वां दिन है और अभी हम जा रहे हैं दीमापुर नागालैंड। कल रात को तेजपुर में स्टे किया था, 100 किलोमीटर तो चुके हैं, 127 किलोमीटर रहता है। अभी चाय पी है और मुगड़े के लड्डू खाए हैं, तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं दोबारा बाइक। ये सारा जंगल एरिया है, नागालैंड की तरफ जा रहे हैं। आज दीमापुर बॉर्डर से इंटर कर जाएंगे नागालैंड में और शाम को स्टे होगा कोहिमा में, प्लान है। बाकी दीमापुर जाने के बाद पता चलेगा क्या सीन है। नागालैंड में इंटर के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कोरोना रिपोर्ट और सेकंड में परमिट, दोनों बन गए हैं। देखते हैं कोरोना रिपोर्ट चेक करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश में इंटर किया था तब भी कोरोना रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोला था, ऑनलाइन अप्लाई करते समय भी है, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया, परमिट भी चेक नहीं किया यार। लेकिन मुझे लग रहा है कि नागालैंड में इंटर करेंगे ना तो परमिट 110% चेक होगा, रिपोर्ट हो या ना हो। इस साइड के जो रोड है ना वो ऐसे हैं, साथ में ऐसे हैं ज़बरदस्त, एक बार ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे लेके जाते हैं फिर घुमा देते हैं। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर रहता है बॉर्डर नागालैंड का दीमापुर, जहाँ से एंट्री होती है। लेकिन रोड गंदा आ गया, अभी तो इतना अच्छा आया था, इतना अच्छा आया था, बस पूछो मत। लो जी इंटर हो गए हैं नागालैंड में, ये यस यस। यहाँ पे मेन गेट था तो मेन गेट पे पुलिस खड़ी थी, इसलिए मैंने कैमरा चालू नहीं किया, लेकिन वो निकलते ही हमने स्टार्ट कर दिया वेलकम टू नागालैंड। लो जी पहुँच चुके हैं दीमापुर, ये अपनी बाइक है, वो सामने पेट्रोल पंप है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कोहिमा के लिए, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना कहीं पे कोई रिपोर्ट चेक हुई, ना परमिट चेक हुआ, पता नहीं क्यों। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं कोहिमा, रास्ता बहुत ही बेकार बता रहे हैं जैसा कि मैंने अभी तक सुना है। लो भाई पेट्रोल पंप है रिलायंस का, 510 रुपये का पेट्रोल आया है, टंकी बिल्कुल फुल कर दी थी। अभी टाइम हुआ है 1:20, मैं यहाँ पे आप पहुँच गया था लगभग 10-11 बजे के आसपास पहुँच गया था। फिर मैंने देखा बजाज का सर्विस सेंटर, सर्विस करवानी ही थी, तो पूछा कितना टाइम लगेगा, बोला 15 मिनट बाद तुम्हारे की बाइक की सर्विस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बस 10 मिनट पहले सर्विस हुई है, अभी निकल रहे हैं, क्योंकि बता रहे 3 बजे के बाद कोई गेट है यहाँ से जो 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से 3 बजे के बाद जाने नहीं देते, तो ये भी पंगे ही है, तो जल्दी से भागते हैं। भाई ने बढ़िया सर्विस कर दी, एक नंबर। ये गूगल इतना बेवकूफ़ है, नो एंट्री में भी अंदर घुसा रहा मुझे, वो तो शुक्र मानो किसी ने रोका नहीं, नहीं तो 500 की माता दुख जाती है यहीं पे, 500 या 1000 की। आगे नो एंट्री लिखा हुआ है फिर भी रास्ता दिखा रहा वहीं से। पिछले 2-3 दिन से 1-1 किलोमीटर चलाने में डर लग रहा है, 2 बार तो एक्सीडेंट होते होते बच गया, अजीब सी फीलिंग आ रही है। लेकिन घर से इतनी दूर है, अगर आस पास होता 500-600 किलोमीटर तक तभी तो वापस चला जाता। सामने से रास्ता बंद है, अब देखो नीचे से कोई रास्ता है या नहीं है। कहाँ से जाएं? कहाँ से जा सकते हैं? कोई माँ जो चौक है, चौक से इस तरफ। अबे यार करो, इधर पुलिस पॉइंट है ना। कहाँ पे? नीचे पुलिस पॉइंट। हाँ है ना। हाँ हाँ, उसी से उसी रास्ता पकड़ो। हाँ अब इधर आएगा, बहुत जाम लगेगा। हाँ उधर सीधा मेन रोड छोड़ना नहीं, सीधा जाओ दिन मार में निकलेगा, ये वाला रूट में, ये वाला रूट में आके निकलेगा उधर। जो ये पहला ट्रैफिक पुलिस मिलता है तो ये इधर नहीं, उधर नहीं। हाँ हाँ काफी खा रहा है ना। हाँ उसी रास्ता पकड़ो, मेन रोड छोड़ना नहीं, सीधा चला जाओ, ये वाला रूट में निकलेगा दिन मार में। ओके थैंक यू। वाह जी वाह, क्या कहने। यहाँ से कोई माह 72 किलोमीटर दूर और 16 किलोमीटर बाद हिल सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो जो हिल सेक्टर स्टार्ट है ना वहाँ से 3 बजे के बाद आगे नहीं जाने देते, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। अगर वहाँ पे कोई मिल गया तो उनसे पूछ भी लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे।
क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। शुक्र है उस भाई ने बता दिया जहाँ पे सर्विस करवाई, नहीं तो मैं अभी खाना खाने की भी सोच रहा था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो अब तो डायरेक्ट शाम को ही खाना पड़ेगा। ऐसा होता भाई, हर चौथे पांचवें दिन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाने को मिलता। शाम को देख लेना और कुछ इनो ऐप मिलेगा, या फिर मेरा खुद ही मन नहीं करेगा कि अब नहीं खा रहा, अब तो कल ही खाऊंगा। चलो डायरेक्ट मिलते हैं आपको हिल सेक्टर के एरिया के पास। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे ना तो आपको दो चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी। एक तो साफ़ सफाई, इतनी ज़्यादा साफ सफाई है। दूसरी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब ये रखते हैं, ये नहीं कि ऑटोमेटिक है, ये उस पर ध्यान देते हैं बहुत सारे। और तीसरी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मोस्टली फॉलो करते हैं भाई साहब। लो जी, दीमापुर भी पूरा फ्लैट पे है। अगर आप कोहिमा जा रहे हैं तो आपको हिली एरिया मिलेगा, और हमारा हिल एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। दीमापुर तक कोई पास चेक नहीं होता, अगर उससे आगे आप कोहिमा जा रहे हैं तो आपका पास चेक होगा। तो देखते हैं कहाँ पे होगा, होगा भी या नहीं होगा। बाकी नागालैंड में एंटर हो चुके हैं भाई साहब, वेलकम टू हिल एरिया नागालैंड। अभी तक ना हाईवे आया हुआ था, अच्छा, तो मैंने सुना था कि वहाँ का ना रास्ता गंदा है, तो मैं सोचा इसी को गंदा कह रहे हैं, अच्छा पता नहीं क्या होगा। चलो भाई लोगों, धूल तो आप लोगों को क्या दिखानी है, धूल का देखने का क्या फ़ायदा। बाकी हिल एरिया इतना कठिन नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वेलकम टू कोहिमा, कोहिमा टाउन में आपका स्वागत है। लो जी, फाइनली आ गए हैं हम कोहिमा में। वैसे तो गूगल महाराज अभी भी हमें 5.5 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन हर जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है कोहिमा में आपका स्वागत है, वेलकम यू टू कोहिमा। तो देखते हैं कहां तक और जाएंगे गूगल महाराज हमें लेके। बाकी कोहिमा में हम आ चुके हैं। लो जी, पहुंच चुके हैं कोहिमा। कोहिमा पहुंचने के बाद हमें वहां पर एक लोकल भाई मिले जिनका नाम था जहाजो। वहां पर उन्होंने हमारे रुकने की अच्छी व्यवस्था की। शाम को 1 से 2 घंटा वहां पर लोकल मार्केट में घूमा, वहां का खाना देखा, कल्चर देखा।